मज़म्मत करते हुए ये सिलसिला रोकने का मुतालबा किया है। लंदन से जारी बयान में अल्ताफ हुसैन ने कहा कि गोलीमार के इलाके में MQM गुलबहार सेक्टर के कारकुनों अब्दुल रहमान और मोहम्मद अशरफ को मोटरसाइकिल सवार दहशत गर्दों ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि गुज़िश्ता 5 रोज के दौरान MQM के 10 कारकुनान कत्ल किए जा चुके हैं। कराची में MQM के कारकुनों को रोजाना चुन चुन कर मारा जा रहा है। अल्ताफ हुसैन ने वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर दाखिला चौधरी निसार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ, DGISI जनरल रिजवान अख्तर, मुसल्ला फौज के चीफ और तमाम अस्करी इदारों के सरबराहान से मुतालबा किया कि MQM के कारकुनों को खून में नहलाने का सिलसिला बंद कराया जाए। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि सिंध और कराची में